हेलो माय फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और कितनी कैसे सॉइल मिक्स होनी चाहिए ये बताने जाने वाली हूँ। इससे पहले ये मेरे हिबिस्कस देखिए, आज जो भी ब्लूम हुए हैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये मैजेंटा कलर है और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अलग कलर है। तो आज मैंने गार्डन का कुछ काम किया, थोड़ा सा सेटअप अपना बदल दिया है। जो हिबिस्कस थे वो पूरे एक लाइन में लगा दिए हैं। सुनीता शर्मा करके एक है जिन्होंने कहा था कि आप अपनी पौधों के लिए कौन सी सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने 7 पार्ट मिट्टी ली है। देखिए कोई भी एक पॉट लीजिए या कोई भी ऐसा कोई भी कंटेनर लीजिए और जिससे ये 7 बार आप मिट्टी ले लीजिए। मेरे इसमें ही रेत मिक्स है, मैंने सारी मिट्टी रेत मिक्स करके रखी हुई है। तो ये मेरा एक पॉट है, तो इसे मैंने 7 का रेशो लिया है, तो 7 पार्ट मिट्टी। और इसी में देखिए मैंने थोड़ी सी रेत भी पहले से मिलाई, यानी 1 पार्ट रेत मिलानी है आपको इस पॉट से। और मैंने इसी पॉट से लेकर ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो घर पे लीप कंपोस्ट बनाते हैं वो डाला है। और फिर ये है कोकोपीट, 1 पार्ट कोकोपीट ये भी इसमें मिला दीजिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा इप्सम सॉल्ट। और साफ फंगीसाइड थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना सा, तो इतना सा फंगीसाइड लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बोन मील डालेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बोन मील। और अब रह गई है नीम खली। तो नीम खली से क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो भी मज़बूत हो जाती है और ये मल्टीविटामिन जैसी होती है। अब थोड़ा सा डालेंगे सीवीड। तो मैं हर एक पौधे के लिए ऐसे ही सॉइल मिक्स बनाती हूँ। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये पूरा एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए इसे मिक्स कर दीजिए। इसे अब गमले में डालते हैं। तो पहले गमले को आप नीचे से होल कर लीजिए। देखिए मैंने इसमें 4 होल बनाए हैं। तो किसी भी गर्म चीज़ से गैस पर गर्म करके इसे आप ऐसे होल बना सकते हो। तो ऐसे होल बना दीजिए। इस होल पर छोटे छोटे पत्थर रख लीजिए ताकि पानी अच्छे से ड्रेन होती रहे। और इस तरह इसमें मैंने पत्थर रख दिए हैं और अब मैं इस पर मिट्टी डालूँगी। इस पौधे को 2 उंगलियों में पकड़कर ऐसे आप उल्टा कीजिए। ये मैंने पहले ही लगाया हुआ था तो इसकी सॉइल मिक्स एकदम बहुत ही वेल ड्रेन है, तो ये जल्दी से निकल आया। लेकिन जो हम खरीदे हुए पौधे होते हैं तो वो झट से निकल नहीं आते। तो देखिए अब इसे हम रिपोर्ट कर देंगे। इसके रूट देखिए कितने अच्छे डेवलप हुए हैं। तो आप इसमें इसे रख दीजिए और ऊपर से ऐसे सॉइल डाल दीजिए। तो देखिए ये हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप अगर पॉट की सॉरी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हो तो आपका प्लांट भी मेरे प्लांट की तरह हेल्दी हो जाएगा। तो देखिए हमारा पौधा तैयार है। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो हमारा पौधा अच्छे से देखिए तैयार हो गया है। इसमें पानी डालने के बाद देखिए मेरा पहले ही पौधा बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए आज पूरे दिन भर यानी संडे था और मेरी स्कूल की भी छुट्टी थी, तो देखिए पूरे प्लांट मैंने आज रिपोर्ट कर दिए है। ये सब क्रिसेंथेमम के ही प्लांट है। और यहाँ पे है कुछ पिटोनिया जो मैंने ग्लास में लगाई। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।